इसमें सबसे पहले हम फिल्टर की शॉर्टकट की जानेंगे, ठीक है। फिल्टर कैसे लगाया जाए, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हमें करना होगा सेलेक्ट, ठीक है। अब ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक हम सेलेक्ट करेंगे। देखो ये है, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाला हिस्सा। अब इस पे फिल्टर लगाना है, तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से Alt D F F। देखो ये फिल्टर अप्लाई हो गया, देखो ये फिल्टर अप्लाई हो गया, देखो, ठीक है। अब यहां से जो भी अनसेलेक्ट कर दोगे, जैसे ये ऑल सेलेक्ट हटा दिया, हमको खाली चाहिए 1 और 4 और 9 चाहिए, तो ओके करोगे तो खाली 1, 4, 9 का ही रिकॉर्ड दिखेगा, तो इसे कहते हैं फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर इस पर से हटाना है, तो वापस से हमें क्या प्रेस करना होगा, वही Alt D F F प्रेस करेंगे तो फिर से हट जाएगा। तो Alt D F F प्रेस किया, फिल्टर हट गया, ठीक है, सब दिखने लगा रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर लगाना है एच लुकअप। एच लुकअप कैसे लगे, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इज इक्वल टू एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, एच लुकअप, ठीक है। क्या लगाना है, एच लुकअप, तो इज इक्वल टू एच एल डबल ओ के लुकअप, तो ये हो गया एच लुकअप। अब एच लुकअप में कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो हर बार बी लुकअप में साइड से सेलेक्ट करते थे, लेकिन एच लुकअप में ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा देंगे। अब पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है, तो पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। वहां पर कॉलम हमें पता करना रहता था, यहां पर हमें रो पता करना रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर था, यहाँ रो इंडेक्स नंबर है, तो रो इंडेक्स नंबर पता करना है। तो ये ऐसे नहीं काउंट करेंगे, ये ऐसे देखेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे रो का खोजना है। तो ये 3 करते हैं, कॉमा देते हैं, 0 देते हैं, बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ 353 आ रहा है। तो यहाँ काउंट करते हैं 1, 2, 3। अब इन्हीं का चेक करना है कि 353 है कि नहीं, तो जरा इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 353 टोटल में आया है कि नहीं, आया है ना। तो इस तरीके से एच लुकअप आप पता कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया।